आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे अपने WhatsApp ग्रुप लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी बंदा ग्रुप का एडमिन है केवल वही बंदा ग्रुप का लिंक क्रिएट कर सकता है, और जो भी बंदा ग्रुप एडमिन नहीं है वह लिंक क्रिएट नहीं कर सकता। केवल वह इतना कर सकता है कि ग्रुप एडमिन को बोल सकता है कि ग्रुप लिंक क्रिएट करके शेयर करवा सकता है। उसके बाद जब उसको एक बार मिल जाता है तो किसी को भी शेयर कर सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार शेयर कर सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रहे कि जो भी बंदा ग्रुप एडमिन नहीं है वह कभी लिंक क्रिएट नहीं कर सकता। तो समय लगवाते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेक्निकल सनी। तो चलते मोबाइल के स्क्रीन, सबसे पहले ओपन करना है व्हाट्सअप। तो हम ओपन करते हैं व्हाट्सअप, हम देखेंगे यहाँ हमारे पास एक ग्रुप है टेक्निकल 2x सनी, जिसका ग्रुप एडमिन हम खुद हैं। अब इस ग्रुप का लिंक क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्लिक करेंगे 3 डॉट पर, इसके बाद हम क्लिक करेंगे ग्रुप इन्फॉर्मेशन। जब नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इनवाइट वाया लिंक, इस पर करेंगे क्लिक तो हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमें सेंड करना है, तो हमें कैसे सेंड करना है, पहला ऑप्शन दिया है सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप, इस पर हम करेंगे क्लिक तो हम व्हाट्सएप से अपना लिंक सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दिया है कॉपी लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक कॉपी हो गया, हम चाहे तो कहीं भी पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। तीसरा दिया है शेयर लिंक, इस पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर हमें दिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी हमें जिसके माध्यम से सेंड करना है हम चूज करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद चौथा दिया है QR कोड के माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में मिल जाता है रिसेट लिंक, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसलिए है जैसे आप अपना लिंक 2-4-6 लोग को सेंड कर दिए, उसके माध्यम से वो लोग ज्वाइन हो गए, अब आप चाहते हैं कि वो लिंक एक्सपायर हो जाए, उसके थ्रू कोई भी ज्वाइन ना कर पाए, तो आपको यहाँ पर आना है रिसेट लिंक पे, यहाँ से कर देना है रिसेट लिंक। तो यहाँ पर शो हो जाएगा ए प्रीवियस इनवाइट लिंक हैज़ बीन रिसेट एंड ए न्यू इनवाइट लिंक हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब बता रहा जो आपका पुराना लिंक था वो एक्सपायर हो गया है, अब किसी को इन्वाइट करना है लिंक के थ्रू तो आपको नया वाला लिंक सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद एक बार हम बैक करके देख लेते हैं एक और ऑप्शन, हम करते हैं बैक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ऐड पार्टिसिपेंट का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी भी फ्रेंड को अपने ज्वाइन करना चाहते हैं इस ग्रुप में, तो इसके माध्यम से यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।